नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार को जाना था। आगे हम और पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर और आएंगे राजस्थान की सीमा के ऊपर। राजस्थान की सीमा कितनी है, क्या है, कैसे है, सभी अपन इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए राजस्थान की कुल सीमा क्या कहती है। राजस्थान की कुल सीमा, एक तो हमेशा कुल सीमा जो होती है वो या तो स्थलीय सीमा होगी या फिर वो तटीय सीमा होगी। ठीक है, एक तो स्थलीय सीमा होती है और तटीय सीमा होती है। और तटीय जो सीमा है यानी जो समुद्री सीमा है वो तो शून्य है, क्योंकि राजस्थान के आसपास समुद्र नहीं है। चलिए, तो इसके अंदर स्थलीय सीमा होगी। अब स्थलीय सीमा, कुल राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। ठीक है, उसे हमने दो भागों में बांटा है, एक तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी इसकी अंतर्राज्यीय सीमा। एक होगी इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी होगी इसकी अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी हुई? 1070। और अंतर्राष्ट्रीय कितनी हो गई? 4850 किलोमीटर। सबसे पहले आप लोग टॉपिक लेंगे अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहती है राजस्थान की? अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की किससे अड़ती है? पाकिस्तान से। सब लोग जानते हैं लोंजेवाला पोस्ट पकड़ पड़ी थी हमने, जो कि पाकिस्तान से जुड़ती है, राजस्थान में ही है। इंडिया पाक 1971 अपन ने पढ़ा था युद्ध जीएस के अंदर। चलिए, तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। उस सीमा का निर्धारण सीमा आयोग के अध्यक्ष, उस समय के जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा खींची गई थी, निर्धारण किया गया था, और इसीलिए हम उसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। तो रेडक्लिफ रेखा के बारे में हम लोग कुछ विशेषता जान लें कि वो क्या है, कैसी है। तो जो रेडक्लिफ रेखा है वो एकमात्र ऐसी रेखा है जिसका निर्धारण कलम से किया गया है, पेन से किया गया है। मतलब ये इतना बेवकूफ़ मानते हैं इसको, ले लिया इसने नक्शा और इधर से एक लाइन खींच दी और इधर से ईस्ट पाकिस्तान कर दिया, इधर से वेस्ट पाकिस्तान कर दिया, और इसने रेडक्लिफ रेखा पेन से ही बना दी। कैसे बनाई? जो राजस्थान के समीप जितने भी पुलिस थाने थे वो सारे एक साथ ले लिए, उनको पकड़ के लाइन खींच दी। उसके बाद में इधर से ईस्ट पाकिस्तान के भी इधर जितने भी पुलिस थाने थे उनको पकड़ लिया और उधर से लाइन खींच दी। तो इस सीमा का निर्धारण उसने कर दिया, जिसे हम रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। उसके बाद में ये एक ऐसी रेखा है जो रात में दिखाई देती है। इसके बारे में ये उक्ति फेमस है कि ये एक ऐसी रेखा है जो रात में दिखाई देती है। तो इस रेडक्लिफ रेखा यानी कि राजस्थान के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि पाकिस्तान से लगती है, उसका प्रारंभिक स्थल है हिंदू मलकोट, जो कि गंगानगर जिले में आता है। प्रारंभिक स्थल हिंदू मलकोट जो कि गंगानगर में आता है जिले में। और समाप्ति स्थल भलगांव। देखो समाप्ति स्थल कैसे है, भलगांव नाम का एक गांव जो कि शाहगढ़ तहसील में आता है, और वह शाहगढ़ तहसील बकासर शहर में आती है, और वो बकासर शहर बाड़मेर जिले में आता है। तो इन चारों में से आपको ऑप्शन में जो भी मिलेगा वो आपको टिक करना है। इसका समाप्ति स्थल या तो वो भलगांव जो कि वो गांव, उस गांव का नाम पूछ सकता है, या तो वो तहसील, वो भलगांव किस तहसील में है तो वो है शाहगढ़ तहसील, वो तहसील किस शहर में है तो वो है बकासर शहर में, और वो बकासर शहर किधर है तो वो है बाड़मेर जिले के अंदर। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम आगे चलेंगे अंतर्राज्यीय सीमा पर। चलिए फटाफट उतारिए इसको। चलिए अब हम लोग समझते हैं
कि राजस्थान की सीमा पर स्थित कौन कौन से जिले हैं। इसको मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको सीढ़ियों के थ्रू क्यों समझाना चाह रहा हूँ, इससे आपको ये पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान की सीमा है वो जैसलमेर से अड़ेगी और सबसे कम बीकानेर से। तो सर्वाधिक पाकिस्तान की सीमा किस राजस्थान के जिले से लगती है, तो उसका उत्तर जैसलमेर लिखोगे आप। सबसे कम किससे लगती है, तो वो बीकानेर लिखोगे। कितनी, तो 168 किलोमीटर। अच्छा, इसको अपन को कैसे समझाना है, सबसे पहले तो आपको एक ही सीढ़ी बना देनी है इस टाइप से, ठीक है। पहले तो ये बात समझ लो कि चार ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं, मरुस्थलीय जिले भी कहते हैं इन्हें, जिसे जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर होते हैं। सर्वाधिक सीमा जो है वो जैसलमेर से लगती है, जिसकी कुल लंबाई 464 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर बाड़मेर, जिसकी कुल लंबाई 288 किलोमीटर है। इतनी लंबाई में सीमा है जो पाकिस्तान से अड़ती है। और गंगानगर, जिसकी सीमा 210 किलोमीटर के लगभग पाकिस्तान से लगती है। उसके बाद में आता है बीकानेर, जो 168 किलोमीटर के लगभग उसकी सीमा लगती है। तो इस चीज से आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो क्या क्वेश्चन दे देगा कि राजस्थान के जिलों का पाकिस्तान से लगने पर आरोही क्रम बताएं, यानी छोटे से बड़ा बताएं, या फिर बताएगा अवरोही क्रम, बड़े से छोटा बताएं। तो आरोही क्रम सीढ़ियां चढ़नी है, अवरोही क्रम सीढ़ियां उतरनी है। तो आरोही क्रम क्या होगा, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। और अवरोही क्रम क्या होगा, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर। और इसी के साथ अगर आपको यूं क्वेश्चन पूछे कि उत्तर से दक्षिण की क्रम बताइए जो जिले पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, तो वही, तो उत्तर से दक्षिण में क्या होगा। अब देखो, जैसलमेर बड़ा है लेकिन सबसे पहले उत्तर दिशा में नहीं, उत्तर से नहीं लग रहा, तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या होगा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। गंगानगर, क्योंकि सबसे ऊपर गंगानगर आता है, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, ठीक है। ये क्रम आपको याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम, जो कि पाकिस्तानी पाकिस्तान से लगते हैं। उसके बाद में दक्षिण से उत्तर का क्रम, तो इसी का उल्टा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। अब आपको प्रश्न क्या पूछता है, उसने पूछा राजस्थान की सीमाओं का सही क्रम बताएं, नहीं पूछा कि उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर नहीं पूछा उसने आरोही क्रम, और नहीं पूछा उसने अवरोही क्रम। डायरेक्ट दे दिया राजस्थान की सीमा से लगने वाले जिलों का सही सुमेलित कीजिए, दे दिया उसने बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे दिया जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, तीसरा ऑप्शन गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, और चौथे ऑप्शन में ये नहीं दिया, कुछ और दे दिया, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और बाड़मेर, तो सही नहीं है, यूं पूछ लिया उसने। तीन तो उसने सही क्रम दे दिए और चौथा उसने क्रम दे दिया वो सही नहीं है, यूं दे। अब अपन को पता होनी चाहिए, अपन को दिमाग में आना चाहिए इस डायग्राम के थ्रू कि अपन को पता है कि उसका अवरोही क्रम क्या होगा, उसका आरोही क्रम क्या होगा, उसका उत्तर से दक्षिण क्या है, और दक्षिण से उत्तर का क्रम क्या है। तो आपने तीन चीजें पहचान ली जो आपको पता है, और चौथी चीज गलत है तो उस पर आपको टिक करना। वो नहीं लिखता है कि उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, या अवरोही या आरोही, डायरेक्ट दे देगा उक्त सीमाओं को सुमेलित कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा। या तो कोई भी एक चीज गलत है इसमें से बताइए, कौन सा सही नहीं है ऐसा दे देगा। तो अपन को ये चार चीजें इसमें ध्यान रखनी है, जिससे अपन को पता चलेगा कि उसमें क्या सही है और क्या गलत नहीं है। फटाफट से इस डायग्राम को उतार दो, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुछ डिटेल्स है जो मैं आपको लिखवाऊंगा। फटाफट उतार लो इस चीज को जल्दी से। चलिए अब हम समझेंगे कि राजस्थान की जो सीमा है उसके अंदर पाकिस्तान के ऐसे कौन से जिले जो राजस्थान के जिलों से जुड़ते हैं। देखो थोड़ा सा अलग प्रश्न है ये, क्योंकि इसमें कई बार राजस्थान के तो नहीं पूछता है, पाकिस्तान के जिले पूछ लेता है कि कौन से ऐसे पाकिस्तान के जिले हैं जो कि राजस्थान के जिलों से लगते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान का एक तो पंजाब प्रांत और एक सिंध प्रांत जो है वो अपना राजस्थान के साथ में लगता है। तो पंजाब प्रांत के तीन जिले हैं पंजाब प्रांत के, जो कि है बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खां।
बहावल नगर जो है वो बीकानेर और गंगानगर के साथ में अपनी सीमा बनाता है। पंजाब प्रांत स्वाभाविक सी बात है गंगानगर से लगता है पंजाब, तो पंजाब प्रांत का जो एरिया है वो तो गंगानगर में ही है। तो बहावल नगर जो है वो गंगानगर और बीकानेर से लगता है, बहावलपुर जो है वो बीकानेर जैसलमेर से लगती है उसकी सीमा। ये पाकिस्तान के जिले हैं और ये है राजस्थान के जिले। पाकिस्तान का बहावल नगर लगता है गंगानगर बीकानेर से, पाकिस्तान का बहावलपुर लगता है बीकानेर जैसलमेर से, और पाकिस्तान का रहीम यार खां नाम का जो जिला है जो कि पंजाब प्रांत का है जो जैसलमेर के साथ में लगता है। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं सिंध प्रांत के साथ। सिंध प्रांत के जिले हैं जो अधिकतर सिंध प्रांत के जिले हैं, एक तो है घोटकी जो कि जैसलमेर के साथ में लगता है। स्वाभाविक सी बात है यहाँ जैसलमेर खत्म हो रहा, मतलब जैसलमेर के बाद की चीज के जिले चालू होंगे। तो जैसलमेर के साथ में घोटकी जिला लगता है, सुकुर जिला, एक तो घोटकी, दूसरा सुकुर, तीसरा खेरपुर। देखिए पहला तो हो गया घोटकी, दूसरा हो गया सुकुर, तीसरा हो गया खेरपुर, ये तीन जिले जैसलमेर के साथ में लगते हैं। उसके बाद में संधार जो है पाकिस्तान का जिला वो जैसलमेर और बाड़मेर के साथ में लगता है, और अमरकोट जो है वो केवल बाड़मेर के साथ, और थार पारकर जो है जो कि पाकिस्तान का जिला है सिंध प्रांत में आता है जो बाड़मेर के साथ लगता है। तो अब इन चीज़ों से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो चीज मैंने यहाँ नोट करी है कि वो क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या बन सकता है इससे कि बहावल नगर जो कि गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता है, जो बहावल नगर है ये किसका, पंजाब प्रांत का, पाकिस्तान का एक ऐसा जिला है जो गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता है। ज्योग्राफिकली देखें तो बहावल नगर है वो गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता है। तो कौन सा ऐसा जिला है जो गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता है पाकिस्तान का, तो वो होगा बहावल नगर। पहला तो ये प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का कौन सा जिला है, राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का कौन सा जिला है, तो वो है सर बहावल नगर। कौन से प्रांत में, पंजाब प्रांत में। ठीक है, तीसरा प्रश्न आ जाओ। तीसरा प्रश्न क्या है, न्यूनतम, अरे अधिकतम पूछ लिया, अब न्यूनतम भी पूछ सकता। तो न्यूनतम पाकिस्तान का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ लगता है, तो वो होगा अमरकोट, बाड़मेर, सिंध प्रांत के अंदर। ठीक है, अब चौथा प्रश्न क्या बन सकता है इसमें से कि केवल जैसलमेर के साथ जुड़ने वाले पाकिस्तान के कितने जिले हैं, तो इसमें से देख लो कितने जिले इस टेबल में से कि रहीम यार खां, घोटकी, सुकुर और खेरपुर, ये चार जिले, यानी चार जिले केवल जैसलमेर के साथ सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं, चार जिले। कौन कौन से, रहीम यार खां, घोटकी, सुकुर और खेरपुर, केवल जैसलमेर। इसमें हम संधार को नहीं लेंगे और बहावलपुर को भी नहीं लेंगे क्योंकि यह जैसलमेर के साथ बीकानेर और जैसलमेर के साथ बाड़मेर से लग रहे हैं। इसने पूछा केवल जैसलमेर के साथ, तो वो सिर्फ चार होंगे, किसके, पाकिस्तान के जिले। पांचवा प्रश्न क्या बनता है, केवल बाड़मेर के साथ में लगने वाले कितने जिले हैं, तो वो होगा दो, एक तो अमरकोट और एक होगा थार पारकर। अब मैंने इस तरह केवल जैसलमेर और बाड़मेर ही क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि उसके अलावा जो गंगानगर है, बीकानेर है, ये ऐसे जिले हैं जो सिर्फ अकेले किसी जिले से नहीं लग रहे हैं। और इसके अपन अलग रूप में देखें तो जैसलमेर और बाड़मेर एकमात्र ऐसे जिले हैं जो सिर्फ अकेले एकमात्र ऐसे जिले हैं जो कि अलग अलग जिलों से लग रहे हैं पाकिस्तान के, क्योंकि इसमें कहीं पर भी अकेला बीकानेर नहीं है, कहीं पर भी अकेला गंगानगर नहीं है। इसीलिए प्रश्न यहां से पूछता है कि केवल जैसलमेर और केवल बाड़मेर से कितने पाकिस्तान के जिले लगते हैं। तो ये आपको पता चल गई इस टेबल से कि कैसे इसे करना है अपन को सॉल्व। फटाफट से इसको उतार लो, ये पांच प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको शॉर्ट तरीके से देखो, मैं आपको शॉर्ट नोट बनवाऊंगा, इसे आप डिटेल में अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। एग्जाम टाइम पे आपकी यही चीजें काम आएगी जो आपको एक सेकंड में निकालनी पड़ेगी। ये सारे मैं शॉर्ट नोट्स और डायग्राम से ही आपको पढ़ाऊंगा। चाहता तो मैं इसको एक एक लाइन पूरी लिख सकता था, लेकिन आपको शॉर्ट नोट्स बनाना सीखना जरूरी है, कैसे बनाना है। ठीक है, तो आप इसको फटाफट इसको लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके डिटेल नोट्स आप खुद बनाना, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा, आपको जल्दी याद होगा। मेरा काम है आपको क्लास में याद कराना। ठीक है,
चलिए अब हम पढ़ेंगे अंतर्राज्य सीमा। तो अंतर्राज्य सीमा क्या कहती है राजस्थान की? तो अंतर्राज्य सीमा से कितने राज्य जुड़ते हैं राजस्थान के? एक तो मध्य प्रदेश, एक हरियाणा, इसे भी सीढ़ियों से बनाएंगे, सर्वाधिक सबसे ऊपर और न्यूनतम सबसे नीचे। तो देखिए मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। सर्वाधिक मध्य प्रदेश के साथ में कितनी? 1600 किलोमीटर। उसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन? हरियाणा 1262 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे गुजरात 1022 किलोमीटर। चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर। और पांचवे नंबर पर पंजाब केवल 89 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि ये मध्य प्रदेश और हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कौन कौन से ऐसे सर्वाधिक और न्यूनतम ऐसे जिले हैं जिनसे राजस्थान लगता है। तो उत्तर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मोटेरा जिला है, और सर्वाधिक जिला मोटेरा। देखो मैंने ऊपर सर्वाधिक जिला लिखा और नीचे न्यूनतम लिखा है, सभी में मैंने ऊपर सर्वाधिक लिखा है और नीचे न्यूनतम लिखा है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ, तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश का मोटेरा जिला है जो राजस्थान से लगता है, और न्यूनतम झाबुआ जिला है जो राजस्थान से लगता है, ये मध्य प्रदेश का। अब आते हैं अपन हरियाणा में। हरियाणा के अंदर सिरसा जिला सर्वाधिक राजस्थान से लगता है हरियाणा के अंदर, और महेंद्रगढ़ जिला है वो न्यूनतम लगता है। अब गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में सर्वाधिक जिला कच्छ का लगता है राजस्थान से, और न्यूनतम दाहोद जिला है वो राजस्थान से लगता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक आगरा जिला है जो राजस्थान से लगता है, और न्यूनतम मथुरा जिला है जो राजस्थान से लगता है। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में सर्वाधिक राजस्थान का जिला पंजाब का जिला फजिलका है जो राजस्थान से लगता है, और न्यूनतम है जो श्री मुक्तसर साहिबा, पंजाब का ऐसा जिला है जो राजस्थान से लगता है। ठीक है, तो ये अब इसी में भी यही पूछ लिया कि अवरोही क्रम छोटे से बड़ा, आरोही क्रम बड़े से छोटा। ये सीढ़ी, ये डायग्राम आपको याद रख लेना है, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बेसिक से कुछ स्ट्रक्चर्स बताऊंगा जिसमें से प्रश्न बनते हैं राजस्थान के। देखो सीमा खत्म हो गई, दोनों अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य, हमने उसकी स्थिति पढ़ ली, हमने उसका विस्तार पढ़ लिया है। स्थिति हमने पढ़ी थी चार जगह पे, विश्व ग्लोब के अंदर राजस्थान की स्थिति पढ़ी थी हमने, भारत में राजस्थान की स्थिति पढ़ी थी हमने, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति पढ़ी थी हमने। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था राजस्थान की विस्तार पढ़ा था हमने, विस्तार के अंदर हमने अक्षांशीय विस्तार पढ़ा था, देशांतरीय विस्तार पढ़ा था। उसके बाद में हमने राजस्थान की आज सीमाएं पढ़ी, सीमाएं हमने अंतर्राष्ट्रीय पढ़ी, अंतर्राज्यीय पढ़ी, स्थलीय सीमा है, तटीय सीमा बिल्कुल शून्य है। स्थलीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में रेडक्लिफ रेखा के थ्रू, और हमने फिर अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ी। और अंतर्राज्यीय सीमा के बाद में अब अपन राजस्थान का बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे, और बेसिक स्ट्रक्चर जान के अंदर से क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो मैंने शॉर्ट में यहाँ पर नोट किया। आपको भी इसी तरीके से नोट करना है जिससे आपको एग्जाम के टाइम पर याद करने में बहुत ही आसानी होगी। देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन तो नहीं बनता है, ये तो सिर्फ ऐसे बेसिक नॉलेज है कि राजस्थान के कुल 33 जिले हैं, 33वां जिला कौन सा बना ये जरूर पूछता है, जो कि प्रतापगढ़ था, जो कि राजस्थान का 33वां जिला है। ठीक है, आखिरी जिला वही था 33वां जो बना है राजस्थान का जिला, बस ये ध्यान रखना आपको। अब देखो अंतर्वर्ता जिले मतलब राजस्थान के ऐसे जिले जो कहीं भी सीमा नहीं बनाते, ना तो वो अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं, ना ही वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ऐसे कितने जिले? 8 जिले। 8 जिलों के नाम क्या है? एक तो नागौर, जोधपुर, पाली, बूंदी, टोंक, अजमेर। अजमेर को क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय। ये ऐसे जिले हैं, जोधपुर, पाली, राजसमंद, टोंक, दौसा, बूंदी और नागौर, ये ऐसे जिले हैं जो किसी भी के भी साथ सीमा नहीं बनाते, ना ही अंतर्राज्य और ना ही अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, जयपुर है जो कि हल्की सी सीमा बनाता है, इसीलिए उसका नाम नहीं है। चलिए अगले पर जाते हैं, ये तो हो गए 2 प्रश्न, अब हो गए 3। अब केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं राजस्थान के? तो वो 2 केवल अंतर्राष्ट्रीय, जो कि अंतर्राज्य नहीं बनाते। तो ऐसे कौन कौन से? मरुस्थलीय जिले इस साइड, जो कि जैसलमेर बीकानेर है, केवल 2 ऐसे जिले हैं जो कि, ये जैसलमेर बीकानेर शॉर्ट में लिखा है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, आपको भी ऐसे ही उतारना है याद करने के लिए। ठीक है, अब अपन समझेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो अंतर्राज्य सीमा वाले कितने, मतलब अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं? देखो आपको क्या करना है, 8 जिले तो ये निकल गए,
ठीक है, जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते, 33 में से माइनस कर दिए। उसके बाद में फिर ये दो जिले और निकल गए जो अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो बचे कितने, 23 जिले ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों सीमा बनाने वाले ऐसे कौन से राजस्थान के जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं अंतर्राज्य भी बनाते हैं। ऐसे तो एक तो गंगानगर होगा और एक बाड़मेर होगा। गंगानगर पंजाब के साथ में भी बनाता है और इसके पाकिस्तान के साथ में भी बनाता है, बाड़मेर गुजरात के साथ भी बनाता है और पंजाब के साथ भी, अपने पाकिस्तान के साथ भी बनाता है। ठीक है, अपन नेक्स्ट चलेंगे अब अगले पे। तो केवल अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले कितने हैं, मतलब ये तो हो गया केवल अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है दो, और केवल अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले कितने हैं, तो ये दो और माइनस कर दो, गंगानगर बीकानेर, 23 में से दो गए, कितने बचे, 21। 23 में से दो कौन से जिले गए, गंगानगर बाड़मेर, क्यों, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा बना रहे हैं अंतर्राज्यों के साथ साथ, इसीलिए उन दो जिलों को हमने माइनस कर दिया। तो 23 में से दो गए तो कितने बचे, 21 जिले। तो वो 21 ऐसे जिले हैं गंगानगर बाड़मेर को छोड़कर जो कि केवल अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन लास्ट और आखिरी प्रश्न के ऊपर, दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो कि दो राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं, तो ऐसे कितने हैं, 4 जिले। दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले अंतर्राज्य, दो राज्यों के साथ अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले, मतलब इंडिया के अंदर ही राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो कि दो राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं, तो ऐसे 4 जिले हैं। एक तो है हनुमानगढ़, एक है धौलपुर, एक है भरतपुर और एक है बांसवाड़ा, हमारा बांसवाड़ा, ठीक है, जो कि गुजरात और MP दोनों के साथ बनाता है। तो हनुमानगढ़, धौलपुर, भरतपुर और बांसवाड़ा, ये 4 ऐसे जिले हैं जो कि राजस्थान, जो कि भारत के दो राज्यों के साथ में, अंतर्राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो इसी के साथ आपका राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार खत्म हो चुका है। जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।